गर्मियां अपने साथ ढेर सारे इन्फेक्शन और बीमारियां लेकर आती हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे कई तरह की बीमारियां फिर से अपना फन उठा रही हैं। बीते कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में चिकन पॉक्स यानी कि चेचक की बीमारी के कई मामले सामने आए हैं। बिहार के पूर्णिया और हरनौत में चिकन पॉक्स ने कई बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मौत को भी दावत दे सकता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वैसे तो एक सामान्य संक्रामक रोग है, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो फिर ये गंभीर रूप ले सकती है। इसमें स्किन संबंधी इन्फेक्शन के अलावा निमोनिया, डिहाइड्रेशन, दिमागी बुखार यानी कि इंसेफ्लाइटिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यहाँ तक की मौत भी हो सकती है। चिकन पॉक्स के लक्षण। चिकन पॉक्स यानी चेचक की बीमारी एक संक्रामक रोग है जो साफ सफाई की कमी की वजह से फैलता है। ये वैरसिला जोस्टर वायरस की वजह से होती है। इसमें पूरे शरीर पर चकत्ते और लाल दाने उभर आते हैं। दाने निकलने पर शरीर में खुजली होने लगती है और उन दानों में पानी भी निकलने लगता है। कई बार तो उन लाल दानों में पस भी पड़ जाता है और फफोले उभर आते हैं। ये फफोले 2 से 4 दिनों के अंदर पूरे शरीर पर तेजी से फैल जाते हैं। कमर में तेज दर्द होता है और सीने में अजीब सी जकड़न होने लगती है। चिकन पॉक्स की स्थिति में बुखार भी हो जाता है, भूख नहीं लगती है, सिर में दर्द होता है और हमेशा थकान महसूस होती है। किन लोगों को हो सकता है चिकन पॉक्स? जिन लोगों में चिकन पॉक्स होने के सबसे ज्यादा संभावना होती है उनमें नवजात शिशु, बच्चे, युवा, ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जिन्हें कभी चिकन पॉक्स न हुआ हो। इसके अलावा उन लोगों को भी चिकन पॉक्स हो सकता है जो स्टेरॉइड दवाएं ले रहे हैं, या फिर वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कीमोथेरेपी या HIV की वजह से कमजोर हो गया हो। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।